तो अगर आप अपनी जमीन का पूरा विवरण देखना चाहते हैं कि आपके पास कितनी जमीन है, और ये चीज आपको समय समय पर देखते रहना चाहिए, आपको अपनी खतौनी हमेशा चेक करते रहना चाहिए समय समय पर कि आपकी जमीन कितनी है, कहाँ कहाँ है, किस तरीके की है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से कैसे अपनी पूरी जमीन की खतौनी निकाल सकते हैं और पता भी लगा सकते हैं कि आपकी पूरी जमीन कितनी है। आप अपनी तो लगा ही सकते हैं, आप किसी की भी सिर्फ और सिर्फ नाम के द्वारा सर्च करके ये चीज पता लगा सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं। तो अगर आप अपने जमीन की खतौनी निकालना चाहते हैं, आप किसी भी स्टेट के हों, तो आपको क्या करना है, जैसे यहां पर आपको टाइप करना है BHULEKH, ठीक। यूपी के हैं तो यूपी सर्च करेंगे, मध्य प्रदेश के हैं तो एमपी सर्च करेंगे, राजस्थान के हैं तो राजस्थान। इस तरीके से आपको बाद में भूलेख के बाद अपना राज्य का नाम लिख देना है और सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च वाले बटन पर क्लिक करोगे, जो सबसे पहले वाली वेबसाइट आपको नजर आएगी उसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यहां जो आपको इस जनपद की जगह आपके जो जिला है आपको यहां पर वो सिलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी जिला है। तो मैं यहां पर जिला सिलेक्ट कर लेता हूं। जिला सिलेक्ट करने के बाद आपको बगल में एक तहसील चुने का ऑप्शन आ जाता है, तो आपकी जो भी तहसील है, आपकी जो भी तहसील लगती है, आपको वो उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो बगल में आपको जो ग्राम चुने का ऑप्शन दिख रहा है, आपको वहां से अपना जो है जो भी आपका गाँव है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर अपना गाँव सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे ही आप गांव पर अपना जो भी आपका गांव है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहां पर देखेंगे यहां पर इस तरीके का ऑप्शन आएगा, जहां पर सबसे पहले लिखा है गाटा संख्या द्वारा खोजें। अगर आपके पास जो गाटा संख्या होती है, यानी कि जो आपकी खतौनी होती है उस पर एक संख्या लिखी होती है, अगर आप उसके द्वारा खोजना चाहें तो आप वो संख्या यहाँ पर भर के और खोजें पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप खाते धारक की संख्या द्वारा खोजना चाहते हैं, खाता संख्या द्वारा, मान लीजिए जिस व्यक्ति की आप जो है खतौनी निकालना चाहते हैं उसकी ज़मीन की, तो उसका खाता संख्या डालकर भी निकाल सकते हैं। और अन्यथा अगर आपको सिर्फ और सिर्फ उसके जो है नाम से सर्च करना है, तो यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल जाता है कि खाते धारक के नाम द्वारा खोजें। तो हम इस नाम द्वारा आज आपको बताते हैं। तो हमने खाते धारक के नाम खोजें पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नाम के कुछ अक्षर भरें, ठीक। तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है उसके नाम डाल देना है जिस भी व्यक्ति का आप खोज रहे हैं। जैसे चलिए मैं आपको बताता हूँ, यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप यहां पर हिंदी, अगर यहां पर ये हिंदी में लिखा दिख रहा है तो आपको हिंदी में ही सर्च करना है, ठीक। जैसे यहां पर मैं मान लीजिए एक नाम है PORAN, यानी कि पूरन है, जो कि यहां इंग्लिश में है। देखिए यहां पर सजेस्टेड वर्ड पूरन आ गया, तो मैं यहां पर क्लिक कर दूंगा। और यहां पर इस वाले आइकन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर देख सकेंगे नीचे बहुत सारे नाम आ जाते हैं, जो कि उस गाँव में जितने भी इस नाम के होंगे वो आपको सारे दिखाई देंगे। लेकिन आप स्पेशल देखना चाहते हैं तो पूरन उसके साइड में जो है उसके पिता का भी नाम देख सकते हैं। वैसे एक नाम के दो तीन लोग होते हैं या चार लोग होते हैं, तो आप उसके यहाँ पर नाम देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ पूरन भूपत नाम की, ठीक। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और इस वाले आइकन पर, इस टिक वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है और उद्धरण देखें इस वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे, यह एक कैप्चर कोड डालने के लिए बोला जाएगा। देखिए ये कैप्चर कोड में आपको ध्यान रखना है, अगर कैपिटल में है तो आपको कैपिटल में ही डालना है और स्मॉल में है तो स्मॉल में डालना है। जैसे यहाँ पर ये जी है कैपिटल में है, उसके बाद डब्ल्यू है वो भी कैपिटल में है, फिर डबल पी है तो ये भी कैपिटल में है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जैसी हैं आपको उसी तरीके से यहाँ पर डाल देनी है। और उसके बाद आपको ये सब डाल देने के बाद, मैंने देखिए कैप्चर को डाल दिया है, उसके बाद इस वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो अगला पेज होगा वो आपकी खतौनी दिखाई देगी। देखिए ये है आपकी खतौनी। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर भी ये आप देख सकते हैं, ये क्षेत्रफल है आपका, इस ज़मीन को आप टोटल नीचे यहाँ पर देख पाएंगे। और इस ज़मीन को आपको अगर हेक्टेयर से जो है एकड़ में कन्वर्टेड करना है तो आप गूगल में जाकर के कर सकते हैं। और मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे हेक्टेयर से एकड़ में या बीघा में या डिसमिल में या किस तरीके में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। और ये आपका खसरा संख्या हो जाता है जो आप ये वाला देख पा रहे होंगे, ठीक। तो ये आपकी पूरी नकल है, पूरा रकबा है, ये आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो कंप्यूटर वाला सिर्फ 10 रुपए में आपकी ये नकल जो है प्रिंट करके आपको दे देता है। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।